कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार पुत्र पुत्र वधु, श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र। कई बार प्रश्न करते हैं लोग, प्रश्न भी उठता है कि हम बहुत कुछ सुनते हैं पढ़ते हैं, उसका इफेक्ट तात्कालिक होता है लेकिन थोड़ी देर बाद वह ओझल हो जाता है, चला जाता है, छूट जाता है। होता है ना आपके साथ भी, सबके साथ भी होता है। जब आप किसी प्रवचन को सुनते हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, किसकी स्पीच आपने सुनी, थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छा लगता है, फिर सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। कितने लोगों के साथ समस्या है? बहुतों के साथ प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, फिर वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वह ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, अभी जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं, वो बहुत सुपरफिशियल होता है, बाहर ऊपरी ऊपरी रहता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक प्रविष्ट नहीं हुआ, वहां पहुंचा नहीं है। और जो ऊपर ऊपर होता है बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, उसका तो ओझल हो जाता है। लेकिन जब वो भीतर प्रविष्ट हो जाता है तो वो स्थायी हो जाता है, बहुत लंबे समय तक के लिए रहता है। तो जीवन में हमें तभी कुछ प्राप्त होता है जब हम उथले स्तर पे न रह करके निचले स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। समुद्र से भी रत्न तब प्राप्त होते हैं जब वो गोताखोर नीचे तक पहुंचता है, तलेटी तक पहुंचता है। ऊपर ऊपर में वो गीला अवश्य हो जाएगा, भीग जाएगा उसका शरीर, लेकिन उसे रत्न नहीं मिलेंगे, कुछ पाएगा नहीं। आपके जीवन के साथ भी प्राय ऐसा ही होता है। आप भी मंदिर आ जाते हैं, भगवान के पास आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, अथवा रोज भी आते हैं तो बड़े सुपरफिशियल रहते हैं, ऊपर उथले स्तर पर ही रहते हैं, तल तक गहराई तक प्रवेश ही नहीं करते हैं। जीवन में उन रत्नों की प्राप्ति, उन खुशियों की प्राप्ति कभी भी हमें तलहटी पे नहीं मिलती है, उस सुपरफिशियल लेयर पे नहीं प्राप्त होती है, वो गहराई में उतरने से ही प्राप्त होती है। जब हम गहराई में उतरते हैं, गहराई में उतरने का अर्थ है कि वो हमारा सबकॉन्सियस माइंड अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, उसने इस योग्य अपने आप को बना लिया है। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हम भगवान के पास भी आते ना दर्शन करने में तो बड़ा ऊपर ऊपर आए, मुड़ पटके और चलते बने, है ना। खासकर आज की यंग जनरेशन, वो आती है, मुड़ पटकती चले जाती है, उसे कुछ मिलता ही नहीं है, फिर कुछ मिलता नहीं है, फिर शिकायत करते क्या मिलता है यहाँ पे, कुछ होता ही नहीं है जाकर। तो इसमें गलती प्रभु की नहीं है, गलती हमारी अपनी है। हम अभी गहराई में प्रवेश करना सीख ही नहीं रहे हैं। तो जीवन में आनंद की उत्पत्ति हमेशा गहराई से पैदा होती है, ऊपरी स्तर में रहने से, ऊपरी लेयर में रहने से नहीं रहती है। तो गहराई में जब हम कह रहे हैं तो वह विजुलाइजेशन करना हम सीखें, उसे अपनी थॉट प्रोसेस में लाना सीखें, उन गुणों को देखना अंदर से सीखें कि कैसे उन्होंने पाया, क्या उन्होंने पाया। कभी ये सोचते हो भगवान के पास आकर के जब उन्हें देखा करो ना, दर्शन के लिए आया करो, तो थोड़ा सा यह सोचा करो, हे प्रभु आपने जो पाया अपने जीवन में अथवा उन गुरु को देख करके, कैसे आपने पाया। तो बस मुझे वो आकृष्ट कर रहा है, वो रास्ता मुझे प्रभावित कर रहा है। यदि उस रास्ते से आप प्रभावित होना सीख लोगे फिर आपको गहराई भी मिलती चली जाएगी, प्राप्त करते चले जाओगे, और फिर आपका परिवर्तन भीतर से होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो तात्कालिक नहीं रहेगा, कुछ क्षणों में छूटने वाला नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि फिर वो संस्कार में आपके समाहित हो गया है, आपके अवचेतन मन में तक वो प्रविष्ट हो चुका है। जब वो अवचेतन मन में हमारे प्रविष्ट हो जाता है
तो हम बिना सोचे भी वो करने लगते हैं, कई बार अबुद्धिपूर्वक वो कार्य होने लगते हैं, सपनों में भी फिर वही नजर आने लगता है, वह घटित होने लगता है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा प्रभु के पास इस दृष्टि से आया करो। आप आते हो कुछ पढ़ करके, एक मिनट के लिए यहां पर कुछ पढ़ करके चले जाते हो, क्या होगा उससे? फिर यह सोच करके इस प्रकार के गुणों का चिंतन करते उनके ऊपर जल की भी धारा डालोगे ना, अभिषेक भी करोगे ना, तो वह आपका अभिषेक आपको बहुत कुछ देगा। उनके चरणों में झुक करके उन्हें प्रणाम करोगे तो एक अलग ही एनर्जी आप फील करोगे, एक अलग ही ऊर्जा को आप फील करोगे, आपकी चेतना को वो झंकृत कर देगा, झकझोर करके रख देगा। आप उस ऑरा में आते ही अपने आप ऊपर उठने लगोगे। जब व्यक्ति इस प्रकार से होने लगता है तो उसके बिहेवियर में भी परिवर्तन आने लगता है, व्यवहार भी उसका बदलने लगता है। फिर ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी घटनाओं से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, समझना। सराउंडिंग में कुछ भी क्यों ना होते रहे, वो सेल्फ कंट्रोल करने वाला हो जाता है, आत्म संयम उसके भीतर प्रकट होने लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना, किस प्रकार से करना। और वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रभु के दर्शन, वो अभिषेक और पूजन सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। तो दृष्टि में यह भाव आए, यानी दृष्टि में वो लक्ष्य रहे, फिर इस माध्यम को जब हम अपनाएंगे तो वो माध्यम, वो मीडियम हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाला हो जाएगा। और दृष्टि में यह भाव नहीं है, फिर हम कुछ भी करते चले जाएं, सारी प्रक्रिया को अपनाते भी चले जाएं, तो वो सिर्फ एक मशीनी एक्टिविटी होकर के रह जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अथवा एक फिजिकल एक्टिविटी होकर के रह जाएगी, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। और प्रायः सभी लोगों के साथ यही होता है। आप आते हो, शरीर से बहुत कुछ करते हो, चावल चढ़ाते हो, श्रीफल चढ़ाते हो, प्रभु के चरणों में कुछ अर्पण करते हो, झुकते भी हो, और हाथ में कलश भी लेते हो, उनके ऊपर जल की धारा भी डालते हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कैसा हो रहा है, एक फिजिकल एक्टिविटी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें वो भावों का जो पुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। भावों का पुट जब हम उनके गुणों को चिंतन में लेकर के आते हैं, उस रास्ते के बारे में सोचते हैं, उस गहराई के बारे में सोचते हैं, उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला, उस तरीके के बारे में हम सोचने की जब कोशिश करते हैं, तब कहीं जाकर के वो लाभ होता है। कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्या करना है, मतलब ये यंग जनरेशन को क्या करना है, यहां पे ध्यान करना है। पहले से कहा कि भगवान का अभिषेक पूजन करना बता दे। देखो, क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, हमें क्या मिलेगा उनसे और कैसे मिलेगा उनसे, इन दो पार्ट को लेकर के चलना। गुरु के पास आने का उद्देश्य यही है। जब गुरु के पास अपन झुकते हैं, उन्हें नमोस्तु करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो उन्होंने कैसे, किस रास्ते पर चल करके वो पाया है, वो हमें अपनाना होगा, तभी तो हमें मिलेगा। आपने किसी मेडिटेशन स्टूडेंट को देखा, उसके अचीवमेंट को आपने पसंद किया, तो क्या आप भी वैसा अचीव कर लेते हो? नहीं करते हो। फिर आप यह देखने की कोशिश करते हो उस स्टूडेंट ने कैसे, कितनी मेहनत करके उसे पाया है, तो आप उसकी मेहनत को भी चाहने लगते हो, तभी आपको मिलता है। अदरवाइज वो सिर्फ एक बातों का जमा खर्च होकर के रह जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। वो एक शब्दों का जाल होकर के रह जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है। शब्दों में कहना मात्र होता है, उससे हमारे लिए कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमारे लिए प्राप्त तब होता है जो उन्होंने किया है
कुछ कुछ हम भी अपने जीवन में वैसा अपनाएं। तो यह सोचकर कि जब झुकोगे उनके चरणों में, यह सोचकर कि उनकी पूजा करोगे, उन्हें नमस्कार करोगे, उनके सिर पे कलश की धारा डालोगे, तो विश्वास मानना फिर अंतरंग से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वह आपके भीतर की इच्छा हो जाएगी, दिली ख्वाहिश हो जाएगी। जब हम वो कुछ हमारे भीतर से चाह उत्पन्न होने लगती है ना, फिर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है उसे रोक पाए। अभी किसी की चाह भीतर की नहीं है, सब सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर है। तो कोशिश ये करें सभी लोग, हम गहराई में उतरना सीखें, गहराई अपने भीतर लाना सीखें। तो रोल मॉडल इसीलिए होता है लाइफ में कि जिस गहराई को उसने पाया है, जिस रास्ते को उसने चुना है, जिस मेहनत को, कठिन परिश्रम को उसने अपनाया है, जिस त्याग को उसने अपने जीवन में स्थान दिया है, सामंजस्य बैठाना जैसे उसने सीखा है, वैसा ही मैं अपने भीतर लेकर के आऊं। यह कहलाता है अंदर तक उतरना, गहराई तक उतरना है, अंदर से उस चाह को पैदा करना। आप ना भगवान को वैसे चाहते हो? चाहते बिल्कुल नहीं। आप तो सिर्फ और सिर्फ, बुरा नहीं मानना, एक फिजिकल एक्टिविटीज के अलावा कुछ नहीं करते, शारीरिक क्रिया के अलावा कुछ नहीं होता है। वो शारीरिक क्रिया यदि हो रही है बिना चेतना के, तो उसमें और कठपुतली में कोई अंतर नहीं, उस पपेट में और आप में कोई अंतर नहीं होता है। वह भी पूरी एक्टिविटीज दिखा रही है, कठपुतली भी नाच रही है, सब कुछ दिखा रही है, और आप भी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो। कौन सी एक्टिविटी? मंदिर आ रहे हो, झुक रहे हो, प्रभु के चरणों में कुछ चढ़ा रहे हो, लेकिन चेतना के बिना। तो आपकी एक्टिविटी एक रोबोटिक एक्टिविटी होकर के रह जाती है। रोबोटिक एक्टिविटी समझते हो? जो रोबोट होता है वो सब कुछ करता है, लेकिन रोबोट के भीतर संवेदनाएं नहीं होती हैं। वो सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, आपकी सेवा भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो एक प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है, उसके अनुसार चलता है। तो आप भी एज पर प्रोग्राम चल रहे हो, कभी कभी आ जाते हो अथवा रोज आ जाते हो, है ना? कुछ लोग महीने में आते हैं, कुछ लोग वीक में आते हैं एक बार, और कुछ लोग डेली आते हैं, लेकिन आते हुए भी क्या पाते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं पाते। क्यों? रोबोट कर रहा है ना। तो हम हमेशा कहते हैं प्रभु के पास, गुरु के पास कभी भी रोबोट बन करके नहीं आया करो। रोबोट में एक आर्टिफिशियल प्रोग्राम फीडिंग हो जाता है, आप में भी एक प्रोग्राम फीड हो गया ना। कौन सा प्रोग्राम फीड हो गया है? संडे संडे जाना है, डेली जाना है, मंथली जाना है, और प्रभु का अभिषेक कर लेना है, प्रभु की पूजा भी कर लेना है, कुछ चढ़ा भी देना भगवान के चरणों में, और आ जाना है। क्या मिलेगा उससे? नो डाउट समथिंग, कुछ तो मिलेगा, क्योंकि आप इस समय वो काम नहीं कर रहे हैं जो दुनिया कर रही, पाप वाले कर रहे। इस टाइम भी आप पाप से बचे हुए हैं, कुछ तो अर्जित करोगे, लेकिन वो नहीं जो करना चाहिए। जो सुपरफिशियल लेयर में रह रहा है वो भीग तो रहा है ऊपर ऊपर से, सही भीगता तो है, सूखे रहने की अपेक्षा वो बहुत अच्छी बात है। नदी में डूबता है, ऊपर ही ऊपर ही डूबता है, तो बाहर से स्नान तो कर ही लेता है, लेकिन हम उस भीतर के स्नान की बात कर रहे हैं। तो उनके कंपैरिजन में आप बहुत अच्छे हैं, जो आइडल पड़े रहते हैं अपने घर में, उस दृष्टि से बहुत अच्छे हैं कि आप एटलीस्ट यहां तक आ रहे हैं, तो कुछ पाओगे। लेकिन हमारा कहने का पर्पस, उद्देश्य इतना ही है, जब हम अपने रोल मॉडल के पास आते ही हैं, उन्हें देखते ही हैं, उनके चरणों में झुकते ही हैं, तो क्यों ना पूरा पाया जाए? आधा अधूरा क्यों? ऊपर ऊपर क्यों? भीतर क्यों नहीं? गहराई क्यों नहीं? तो कोशिश हमेशा गहराई में उतरने की, कोशिश हमेशा उस तल को छूने की जिस तल पर वे हैं, तब हमें
बाहर से भी मिलेगा और भीतर से भी मिलेगा, मानसिक रूप से भी मिलेगा, शारीरिक रूप से भी मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा, सब तरीके से मिलेगा, बिना मांगे अपने आप मिलेगा। पर तरीका यह होना चाहिए, कौन सा? गहराई में उतरने का। बस यह तरीका यदि हमारे भीतर आ गया तो घर में किसी से किसी को कहना नहीं पड़ेगा, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। उस समय हमें किसी अंदर मोटिवेशन की भी आवश्यकता नहीं होगी, हम सेल्फ मोटिवेटेड होते चले जाएंगे, अंतः से ही प्रेरणा मिलती चली जाएगी, नहीं अब मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे जीवन में इस प्रकार से अपने आप को बनाना है, ये होगा। ये बात प्रभावकारी होती है। क्या समझ रहे हो? कैसी बनाओगे अपने थॉट प्रोसेस को, क्या करोगे अपने आप के साथ, इन प्रभु को देख करके क्या करोगे? नो डाउट, हम फिर कह रहे हैं बिना रोल मॉडल के संभव नहीं, जीवन में वो रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। फिर शांति से बैठ करके यदि 5 मिनट से ही सही गहराई से उनके बारे में सोचेंगे ना, तो अंदर ही अंदर तीव्र भाव पैदा होने लगेगा उन जैसा होने का, और सारा खेल उस भाव का है, उस तीव्र इच्छा शक्ति का, तीव्र इच्छा जो पैदा हो रही है पाने की, वो ललक पैदा आ रही है उस जैसे होने की, जो ललक पैदा हो रही है। बस ये ललक पैदा होते हुए फिर बाहर में हम वैसा करते चले जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से करते चले जाएंगे, लेकिन शुरुआत उस ललक से है, शुरुआत तीव्र इच्छा से है, वो अंदर की प्यास से है। जैसे उस पेड़ के साथ होता है ना, तीव्र इच्छा होती है पानी की खोज की, तो उस पेड़ की जड़ जो है रेगिस्तान में भी पानी को खोज लेती है, समझना। वो कई मीटरों तक नीचे गहराई में चले जाती है पानी के स्रोत को तलाशते तलाशते, पथरीली भूमि में भी उस पानी को खोज लेती है वो जड़। क्यों? क्योंकि तीव्र इच्छा थी उस पेड़ की कि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे जीना है, तो वो जड़ खोज लेगी, जहां भी सोर्स होगा वहां तक पहुंच ही जाएगी। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, जब वो तीव्र इच्छा हमारे भीतर पैदा होगी तो आप उस सोर्स तक अवश्य पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, पहुंच ही जाओगे, कहीं ना कहीं से खोज ही लोगे, कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना हो, दुश्वारियां मार्ग में कितनी भी क्यों ना हो, हर दुश्वारियां हर कठिनाइयों को ओवरकम करके आप पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी तीव्र भीतर की इच्छा थी, भीतर की वो चाह, बस उस रोल मॉडल के प्रति, उन प्रभु के प्रति, उन गुरु के प्रति वह तीव्र चाह उस रास्ते को पाने की, उस ललक को पाने की। तो सारा खेल उसी चाह का है। फिर मॉर्निंग होते ही अब अपने आप उठ करके यहां पे आ जाओगे, किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा। अभी तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कहना पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी साजैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार पुत्र पुत्रवधु, श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन पिंपल गाँव महाराष्ट्र।